हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रेहान खान, योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम स्टडी फॉर इंटर कॉलेज खैराबाद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर फाइलम दैट इज इकाइनोडर्मेटा। बिफोर स्टार्टिंग दिस फाइलम इकाइनोडर्मेटा, आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट दिस फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा अबाउट 5500 species of this phylum found in sea, means about कम से कम 5500 means 5500 species इस phylum में पाई गई हैं। अब वो सब कहाँ पाई गई हैं? सब marine water में, means खारे पानी में, समुद्र पानी में, ये सब समुद्री पानी में ये पाई गई हैं। कितने? About 5500 means 5500 species of this phylum are found। लगभग 5500 species इस phylum में पाई गई हैं। और ये सब कहाँ पाई गई हैं? Marine water में, means समुद्र में। Okay? और इनकी skin कैसी होती है? Tough, rough, spiny skin होती है, means rough होगी, spiny means कांटेदार होगी। Let's start this phylum, Echinodermata। Echinos means spiny, means काटेदार, और dermata means skin। Dermata means होता है biotic language में skin, और जो डॉक्टर होते हैं, जो skin के डॉक्टर होते हैं, उनको dermatologist कहा जाता है। इसी वजह से, क्योंकि वो skin की study करते हैं, उसका इलाज करते हैं स्किन का, तो उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, नाउ दे आर मैरीन एनिमल्स। जितने भी इसमें इकाइनोडर्मेटा में आएंगे वो कैसे होंगे? मैरीन एनिमल्स, और मैरीन मींस खारा, खारा पानी वाले, जितने समुद्र में पाए जाएंगे। और समुद्र में कैसा पानी? खारा होता है, तो मैरीन होता ही है, मैरीन एनिमल्स ये होंगे। दे आर एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मीन सिमेट्री बताई थी। अगर कोई एनिमल को लेंगे, उसको बीच से अगर काटेंगे, तो उसका शेप ऐसे जितना इधर होगा उतना उस तरफ होगा, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, कि इसमें एसिमेट्रिकल होगा, इसमें कोई इसका शेप नहीं होगा। एंड राउंडेड, एसिमेट्रिकल बॉडी हो सकती है, राउंड हो सकती है, स्टार शेप हो सकती है, जैसा स्टार स्टार का शेप होता है वैसे, और स्पाइंडल लाइक, और स्पाइंडल लाइक हो सकती है। और नंबर थर्ड, ट्रू पाइलम इज फॉर्म। पाइलम मीन्स कैविटी, जो उनकी बॉडी की कैविटी होगी उसमें ये ट्रू पाई जाएगी, मीन्स उनके अंदर कैविटी उनकी खुद की बनी हुई होगी। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, आपको कोटा में हमने पढ़ा था उनकी बॉडी में सेगमेंट्स थे, लेकिन इनमें कोई सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। देयर एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट और वाइड, इनकी एलिमेंट्री कैनाल या तो स्ट्रेट होगी, इस टाइप की स्ट्रेट होगी जैसे हम लोगों की होती है, या तो क्वाइड होगी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की होगी। ओके, एंड नंबर लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस फाइलम, दे हैव ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। इनके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में शक्ति होती है गाय की रीजनरेशन की, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के तुरंत बनने की पावर बहुत ज्यादा होगी, पावर ऑफ रीजनरेशन के अंदर बहुत पाई जाती है इन फाइलम के एनिमल्स में। एग्जांपल देख लें, स्टार फिश, सी कंकर, और यहाँ पे आप फिश देख रहे हो, तो ये स्टार फिश फिश नहीं होती है, इसका नाम केवल स्टार फिश है लेकिन ये फिश नहीं है। फिशेस का फाइलम अलग होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। Understand, Echino means Echinos से बना है Echino, और Dermata, Echinos means spiny, Dermata means skin, और Echinos Dermata से मिलके बना है Echino Dermata, means इसके अंदर जितने ऑर्गन्स आएंगे उनकी बॉडी कैसी होगी? Spiny means कांटेदार होगी, और उनकी बॉडी asymmetrical, round, star shaped या spindle like हो सकती है, और इनमें ट्रू कॉलम पाए जाएंगे। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होगी, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट और क्वाइट होगी, दे हैव ट्रेमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर ऑफ रीजनरेशन। एंड इनमें इनके बोथ सेक्सेस, जो इनके ये सेक्स प्रोडक्शन ऑर्गन इनके अलग अलग होंगे। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।